आपको इस इंडस्ट्री में क्यों आना होगा, आप आना कैसे हुआ, क्यों आना हुआ सफल? यहाँ आप अपने साथ बहुत लोगों को कामयाब करने के लिए मेहनत करते हैं। आज के समय में एक आम आदमी के मन में, समाज में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपके पास बेचने वाले 10 हैं, ग्राहक 2 हैं। जब इंडिया में ऑलरेडी कंपनीज पहले से थीं, तो ऐसा क्या रीजन रहा कि आप अपनी कंपनी खोलने का आपके दिमाग में ख्याल आया? मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर्स, मिनिमम कस्टमर बेस, इस इंडस्ट्री का एक बड़ा चैलेंज है। तो ऐसा क्या रीजन थी कि आप दिल्ली में इतनी बढ़िया ऑफिस ले सकते थे, उसके बावजूद आपने अपनी ऑफिस से काम क्यों स्टार्ट किया? ऑफिस को लेके आने का पहला पर्पज सिर्फ ये था कि इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या आप क्या साबित करना चाहते थे कि नहीं पहले आरएनडी टीम बनाऊंगा? वो चैलेंज ये था कि कोई भी कंपनी फॉर्मुलेशन पे काम ही नहीं कर रही थी। कितने प्रोडक्ट्स आपने स्टार्ट किया था ये कंपनी? आज हमारे पास शायद 225 के करीब प्रोडक्ट हैं। क्वालिटी को हमने बेस्ट टू बेस्ट रखने का प्रयास किया और पैकेजिंग बहुत इंटरनेशनल रखा है, और बाद में जियो जैसा काम करेंगे कि जब मार्केट जब कोलैप्स, कुछ छोटी मोटी कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर अपना दाम आप इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे फिर से। तो सर क्या सवाल ये कि आप इस तरह से ब्रांडिंग करते करते एक दिन ट्रेडिशनल हो जाएंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग का आपका जो कॉन्सेप्ट है वही छोड़ देंगे बीच पीछे? जब तक हायर बीवी ना हो या अच्छा प्लान ना हो, तब तक प्रोडक्ट भेजो कोई कमा नहीं सकता। जो भी बीवी देने वाले हैं उनकी हालत क्या है आज? सर इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप दे कैसे पाते हो, मतलब क्या कैसे पॉसिबल? आप ट्रेडिशनल मार्केट के लिए जी, तो वो भी बांट रहे? तो सर आपकी प्लानिंग क्या, अभी तक क्या आपने किया फ्यूचर को लेके? 2025 तक हमारा जो विजन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरा मानना ये है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि एक बार भी आपने हमारी गाड़ियों के हमें प्रमोट किया स्टेज के ऊपर में? आप गाड़ी ले आए, आप लग्जरी गाड़ी ले आए, आपके बच्चे एथिक्स है क्या जो सर डे वन से आप लेके फॉलो करके आज भी हैं और लगता है कि आप भविष्य में हमेशा टिके रहेंगे? जब आप राइट प्रमोशन करते हैं, जब आप गाड़ियों वाड़ियों का हवा नहीं दिखाते हैं। थैंक यू टीम, थैंक यू सो मच, बाय बाय।